नमस्कार। आज उस संगीतकार को याद करते हैं, एन दत्ता साहब, जिनका पूरा नाम दत्ताराव बाबूराम नाइक था। एक बहुत ही मेलोडियस संगीतकार जिन्होंने कई अनगिनत गीत हमें दिए। वैसे तो उन्होंने कई शायरों के साथ काम किया, लेकिन ज़्यादातर काम उनका शायर लुधियानवी के साथ रहा। लेकिन ये दुनिया शायर लुधियानवी को याद करती है, एन दत्ता साहब को भूल चुकी है। बहुत कम फिल्मों में उन्होंने काम किया था, लेकिन जिनमें भी काम किया उनका संगीत बड़ा ही लाजवाब और कर्णप्रिय और मेलोडियस है। फिल्म ब्लैक कैट 1959 में आई थी, उसके जो गीत है वो जान निसार अख्तर ने लिखे थे। लता जी का गाया हुआ। सितारे राहें तकते हैं, चले आओ चले आओ। सितारे राहें तकते हैं, चले आओ चले आओ। हजारों दिल धड़कते हैं, चले आओ चले आओ। कहाँ हो तुम जो अपने का मेरा दीवाना कहते थे, वो आँखें तुम सभी जिनका हंसी पैमाना कहते थे, हंसी पैमाना कहते थे, वो पैमाने छलकते हैं, चले आओ चले आओ। सितारे राग तकते हैं, चले आओ चले आओ। कहाँ हो तुम जो अपने का मेरा दीवाना कहते थे, वो आँखें तुम सभी जिल का हंसी पैमाना कहते थे, हंसी पैमाना कहते थे, वो पैमाने छलकते हैं, चले आओ चले आओ। सितारे यही वादी यही साहिल यही रंगीन नजारे थे, यही वादी यही साहिल यही रंगीन नजारे थे, यही हमने मोहब्बत के जवा लम्हे गुजारे थे, जवालम हे गुजारे थे, कहाँ हम भूल सकते हैं, चले आओ चले आओ। सितारे राग
थकते हैं, चले आओ चले आओ। राग काफी पे आधारित ये गाना फिल्म ब्लैक कैट 1969 में आई थी। मैं तुम्हें से एक गाना आया था, मैं तुम्हें से पूछती हूँ मुझे तुमसे प्यार क्यों है, कभी तुम दगा न दोगे मुझे एतबार क्यों है, जहाँ निसार अख्तर का ही बोल है और दत्ता साहब ने एन दत्ता साहब ने इसका म्यूजिक दिया था। एक फिल्म चंद्रकांता फिल्म में रफ़ी साहब ने गाना गाया था, वो राग भीमपलासी पे आधारित, मैं आपको सुनाता हूँ। इस फिल्म में चंद्रकांता में गीतकार साहिल लुधियानवी साहब थे। मैंने मैंने चांदोरे सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांदोरे सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की सिहाई के सिवा कुछ ना मिला। मैंने चांदोरे सितारों की तमन्ना की थी, मैं वो नगमा हूँ जिसे प्यार की महफिल ना मिली, वो मुसाफिर हूँ जिसे कोई भी मंजिल ना मिली, जख्म खाए हैं बहारों की तमन्ना की थी, मैंने चांदोरे सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों के सिहाई के सिवा कुछ न मिला। मैंने चांदोरे सितारों की तमन्ना की थी। रफ़ी साहब ने गाया था ये गाना। किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, किसी गेसु किसी आंचल का सहारा भी नहीं, रास्ते में कोई धुंधला सा सितारा भी नहीं, मेरी नजरों ने नजारों की तमन्ना की थी, मैंने चांदोरे सितारों की तमन्ना की थी, प्यार मांगा तो सिसकते हुए अरमान मिले, चैन चाहा तो उमड़ते हुए तूफान मिले, चैन चाहता उमड़ते हुए तूफान मिले, डूबते बुलने किनारों की तमन्ना की थी, मैंने चांदोरे सितारों की तमन्ना की थी। एन दत्ता साहब बचपन में ही गोवा से बम्बई आ गए थे,
और सौभाग्य की बात यह रही थी कि एन दत्ता साहब की एस टी बर्मन साहब से मुलाकात हुई। वो असिस्टेंट उनके गानों से प्रभावित हुए, उनके स्वर से प्रभावित हुए। वो नाट्य मंडली में गाते थे, तो एस डी बर्मन साहब के साथ उन्होंने कई यादगार फिल्में दी असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में। फिर वो सोलो खुद सेल्फ डिपेंडेंट संगीतकार के रूप में उन्होंने बहुत सी फिल्मों में संगीत दिया था। फिल्म धर्मपुत्र का ये गाना आप सब जानते हो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले इसके ये गुल सितार हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जय जयवंती राग की इसमें छाया है। पर्वती हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, पर्वती हो सबसे ऊंचा हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा वो पासवा हमारा, वो पासवा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसके ये गुलसिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक ऐसा ही गाना फिल्म धर्मपुत्र का ही, ये भी जय जयवंती राग पे आधारित है। मैं जब भी अकेली होती हूँ मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुप कैसे आ जाते हो, और झांक के मेरी आँखों में बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो। मैं जब भी अकेली होती हूँ तुम चुप कैसे आ जाते हो, और झांक के मेरी आंखों में बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिला। मस्तान हवा के झोंके से हर बार वो पर्दे का हिलना, पर्दे को पकड़ने की धुन में दो अजनबी हाथों का मिलना, आँखों में धुआँ सा
छा जाना, सांसों में सितारों से खिलना, बीते दिन याद दिलाते हो, बीते दिन याद दिलाते हो, मैं जब भी अकेली होती संभल के दिल तड़पने और तड़पाने से क्या होगा, संभल के दिल। ये जो गाना पहले मैं जब भी अकेली होती हूँ, ये आशा जी का गाया हुआ है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा एक फिल्म में भाई बहन में आशा जी ने अकेला गाया था एक गाना, और फिल्म धर्मपुत्र में रफ़ी साहब के साथ में कोरस गाना। संभल गए दिल तड़पने और तड़पाने से क्या होगा, जहाँ बसना नहीं मुमकिन वहाँ जाने से क्या होगा, संभल ये दिल चले आओ कि मुँह फेर जाने से क्या होगा, जो तुम पर मिट चुका इस दिल को तरफाने से क्या होगा, संभल गए दिल। ऐसे ही एक गीत मेरे नज़र में आया था, मैंने वो लिखा भी था, कहाँ है देखो। फिल्म आई थी धूल के फूल, उसमें कई गीत रफ़ी साहब के, महेंद्र कपूर साहब के पॉपुलर हुए थे, साहिर लुधियानी साहब के बोलते। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान। दामन में आग लगा बैठे, इस फिल्म का ही गाना है ये, जो माला सिन्हा जी पे फिल्माया गया था और रफ़ी साहब ने गाया था। दामन में आग लगा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में आग लगा बैठे ओ, छोटी सी भूल जवानी की, छोटी सी भूल जवानी की जो तुमको याद न आएगी, उस भूल के ताने दे दे कर दुनिया हमको तड़फाएगी, उठते ही नजर झुक जाएंगे, उठते ही नजर झुक जाएंगे, हम आज ये ठोकर खा बैठे। दामन में आग लग, दामन में दाग लगा बैठे हम प्यार में धोखा खा बैठे, दामन में आग लगा बैठे ओ। चाहत के लिए जो रस्मों को, चाहत के लिए जो
रस्मों को ठुकरा के गुजरने वाले थे, जो साथ ही जीने वाले थे और साथ ही मरने वाले थे। तूफान के हवाले करके हमें, तूफान के हवाले करके हमें वो दूर किनारे जा बैठे, दामन में आग लगा बैठे, हम प्यार में धोखा खा बैठे। लो आज मेरी मजबूर वफा, लो आज मेरी मजबूर वफा, बदनाम कहानी बनने लगी, जो प्रेम निशानी पाई थी वो पाप निशानी। दुख दे के हमें जीवन भर का, दुख दे के हमें जीवन भर का, वो सुख की सेज सजा बैठे, दामन में आग लगा बैठे। ओ धूल का फिल्म, धूल का फूल फिल्म बीआर चोपड़ा साहब की थी और उसमें गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीत दिया था एन दत्ता साहब ने, दत्ता राव बाबूराव नाइक। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखी यारी प्राणी, जग में मुक्ति पाए ओ राम जी के द्वार से। तोरा मनवा क्यों घबराए रे, लाख दीन दुखी यारी प्राणी, जग में मुक्ति पाए ओ राम जी के द्वार। एक फिल्म साधना आई थी उसमें गीता दत्त जी ने यह गाना गाया था। कवि प्रदीप उनका गीत भी अंदत्ता साहब ने कंपोज किया था। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई के काम, तेरे दुख दूर तेरे सब दुख दूर करेंगे राम, किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। ये झिझोटी राग का असर था इस गाने में। ऐसे कई अनगिनत मधुर मधुर गीत दत्ता साहब ने कंपोज किए थे, लेकिन उसके बाद में उनका स्वास्थ्य खराब रहने के कारण ज़्यादा फिल्मों में वो संगीत नहीं दे पाए।
एक पहाड़ी राग पे आधारित गीत धूल का फूल फिल्म में महेंद्र कपूर साहब और लता जी ने गाया था, बहुत लोकप्रिय हुआ था, लगभग सबकी जुबान पे ये गाना है और उस पे कई भक्ति गीत भी है इस पे। तेरे प्यार का पहाड़ी राग पे है, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। हसीनों से अहद वफा चाहते हो, हसीनों से अहद वफा चाहते हो, बड़े ना समझे हो ये क्या चाहते हो, बड़े ना समझे हो। तेरे नर्म बालों में तारे सजा के, तेरे सौख कदमों में कलियां बिछा के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना के, तुझे रात दिन, तुझे रात दिन पूजना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार को। रिवाजों की परी वो नरस्तों का डरी है, रिवाजों की परी वो नरस्तों का डरी है, तेरी आंख के फैसले पे नजरी है, बला से अगर रास्ता फुल बतर है, बला से अगर रास्ता फुल बतर है, मैं इस हाथ को थामना चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ, तेरे प्यार का। तो ऐसे मनमोहक और मधुर संगीत देने वाले हमारे दत्ता साहब थे, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप मैंने ये प्रोग्राम प्रस्तुत किया। उनके मैं बहुत गीत सुनता हूँ, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा मेरे को ज़रूर बताना। नमस्कार।